हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपी 999। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनवेलप्स एंड लेबल्स देखने वाले हैं। इस ऑप्शन का कई बार ये लोग मतलब निकाल लेते हैं कि हम इससे एनवेलप बनाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनवेलप तो बने बनाए मार्केट में मिलते हैं, हम सिर्फ एनवेलप्स को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो जो एनवेलप का साइज होता है उस साइज के हिसाब से हम यहाँ एनवेलप सेट करते हैं और उस पर कंटेंट दे देते हैं जो जो हमें प्रिंट करना है। तो वो मार्केट से जो आप एनवेलप लेके आए हैं उस पे एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे सही तरीके से प्रिंट करके दे देता है। तो ये बेसिकली एनवेलप की प्रिंटिंग की सेटिंग्स के लिए है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपने एनवेलप में डिलीवरी एड्रेस क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई एक एड्रेस दे दिया और इसके अलावा रिटर्न एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ से इस एनवेलप को भेजा जाएगा। तो इसको रिटर्न एड्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार अगर एनवेलप वहाँ नहीं पहुँचता है तो रिटर्न होके वापस कहाँ पे आएगा। अब इस एनवेलप का साइज वगैरह हम सेट करने के लिए कहाँ जाते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको एनवेलप की सारी सेटिंग्स मिलेंगी। तो एनवेलप का साइज क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मार्केट में जो भी एनवेलप हैं उन सब का साइज यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड, वो आप पता करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मली स्केल से अपने एनवेलप की हाइट और विड्थ मेजर करें, नाप लें और यहाँ पे देखें तो वो मैच करेगा, वही पता चल जाएगा कि आपके एनवेलप का वही साइज है। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा जब आप प्रिंट करते हैं तो एनवेलप का साइज छोटा होता है लेकिन आपके प्रिंटर की जो ट्रे है जहाँ पे आप अपने एनवेलप को रखते हैं वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उसको कैसे रखना है ताकि सही जगह पे प्रिंट आए वो आप प्रिंटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो आप प्रिंट किधर चाहते हैं, फेस अप करके या डाउन करके। तो बेसिकली तो हम लोग फेस अप करके ही प्रिंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रिंटर में आप कैसे रखेंगे ट्रे में, तो ये दिखा रहा है कि आप इस तरह से रखेंगे ये वाले कॉर्नर पे, ये आपकी मान लो पूरी की पूरी ट्रे है जो इनर साइड है, तो उसमें अंदर आपको रखना है ऐसे जिसमें कि ये डेट और इधर वाला जो एड्रेस है फ्रॉम वाला वो ऊपर रहेगा, यानी कि सीधे सीधे आपको रख देना है फ्रंट साइड पे। और इसे आप राइट साइड में शिफ्ट करके सेंटर में करके रख सकते हैं, राइट में ये है सेंटर में ये है, या फिर आप इसको टर्न करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा बना हुआ है हॉरिजेंटल स्टाइल में, सेंटर में इसको रख सकते हैं बिल्कुल ट्रे के, या फिर इधर कॉर्नर पे रख सकते हैं घुमा करके। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं प्रिंटिंग के, जिधर आप सेट करके रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ ओके करेंगे और इसके बाद ये जो सेटिंग लग गई है इस पे, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट में अपने ऐड कर देना है। तो ये सारी सेटिंग्स के साथ एड्रेसेस के साथ ये इसको आपके पेज पे सेट कर देगा। ये देखिए इसने पेज को सेट कर दिया है बिल्कुल एनवेलप के साइज में जो आपने दिया है। ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है, बाकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसमें क्या होता है टू एड्रेस थोड़ा ऊपर होता है। तो हम क्या करते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइनिंग आ जाएगी और इससे हम इसे उठा करके ऊपर रख लेंगे सेंटर पे जहाँ पे भी एडजस्ट करके रखना है। और इसको हमें थोड़ा नीचे रखना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम एंटर करके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे एंटर करके हमने नीचे कर दिया इसको, इसको थोड़ा सा और ऊपर सॉरी नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अब हम प्रिंट कमांड दे देंगे तो ये प्रिंट कर देगा बिल्कुल जो सेटिंग आपने लगाई होगी उसी हिसाब से आपको प्रिंटर में अपना एनवेलप रखना है। तो ध्यान रखिएगा ये सेटिंग साइज के अलावा हमने जो यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग देखी है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए सेंटर पे रखा हुआ है हॉरिजेंटल करके, वो वाली स्टाइल लगी है। अगर आप ऐसे प्रिंटर में रखते हैं तो आप ये लगाएंगे, जैसा प्रिंटर में आप रख रहे हैं वही सेटिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। हमारे पास इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक लेबल्स है। लेबल नेम स्लिप्स या स्लिप्स बनाने के लिए है। एड्रेस की स्लिप बना सकते हैं, नेम स्लिप बना सकते हैं, ये आपने बहुत सारी देखी होंगी बुक्स या कॉपी वगैरह में बच्चों के हम लोग लगाते हैं चिपकाते हैं इन्हें। तो ये बहुत सारी स्लिप्स बनी बनाई आती हैं मार्केट में, उसके अलग अलग कंपनीज हैं वेंडर्स हैं। हम अपनी यहाँ पे खुद की स्लिप्स भी बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो डेटा देना होगा जो हम स्लिप में रखना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, नॉर्मल स्लिप बनाते हैं, दो तरीके की स्लिप मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं और इसके बाद हम ऑप्शन पे जाते हैं और इन लेबल्स की सेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 30 पर पेज लगा हुआ है, यहाँ पे वेंडर्स के नाम हैं, आप किसके साइज़ का बनाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी के साइज़ का बनाना चाहते हैं वो हम ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे A1 ले लिया, तो A1 के कई साइज़ हैं कि एक A4 के एक पेज में 8 लेबल बनाएगा, 10 लेबल, 12 लेबल, इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे हमने 12 लेबल का ले लिया यहाँ पे, तो ये एक पेज में 12 लेवल बनाएगा। अब इसकी और भी सेटिंग्स से हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डिटेल में जाते हैं और यहाँ हम सेट करते हैं कि एक पेज में हमें कितने नंबर ऑफ स्लिप्स रखनी है। तो
तो ये अक्रॉस है, यानी कि आप देखेंगे एक पेज में पहले एक स्लिप आएगी फिर दूसरी आएगी, अगर हम तीन कर देंगे तो एक पेज में तीन स्लिप आएंगे, और वो नीचे तक रो वाइज कितनी रहेंगी, छह डाउन्स में रहेंगी। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो लेबल का साइज है उसके हिसाब से पेपर का साइज छोटा पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तीन ले लिया है, एक पेज में दो दो करके ही प्रिंट हो पाएगा, हम इसको दो में कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसके बाद ओके, और इसे न्यू डॉक्यूमेंट में आप ऐड करिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्लिप बन गई हैं। तो ये है देखिए, एक और दो स्लिप आ रही हैं, और ये आप देखेंगे नीचे तक कितनी है, छः रो हैं हमारे पास, यही जो नीचे दिया हुआ था, छः डाउन और दो यहाँ पे अक्रॉस। तो ये अपने आप में एक टेबल है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से वर्टिकली सेंट्रलाइज कर सकते हैं, बोल्ड साइज घटाना बढ़ाना या फिर लाइन का साइज घटाना बढ़ाना वो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका साइज बढ़ा दिया लाइनिंग का, तो इस तरह से आप स्लिप प्रिंट कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और दूसरी स्लिप्स आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप मेलिंग पे जाएंगे, लेबल ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, और ऑप्शन पे जा करके एक वेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक पेज में जितने भी लेबल्स आपको लेने हैं, जैसे कि हमने 12 ले लिया हुआ है, ओके कर देंगे। और यहीं सॉरी ऑप्शन पे हम डिटेल पे भी जाएंगे, डिटेल में और भी चीज़ें हैं, आप टॉप से मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, यानी जो आप कंटेंट लिखेंगे लेबल में वो टॉप से कितनी दूरी पर रहे, लेफ्ट से कितनी दूरी पर रहे, और इसका पिच यहाँ पे देंगे कि पूरा एरिया जो है वो कितना ले, हाइट और विथ लेबल की यहाँ पे हम दे सकते हैं, विथ हम यहाँ पे कम कर देंगे तो क्या होगा कि दोनों लेवल के बीच में गैप भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ स्पेस बढ़ रहा है क्योंकि हम विथ कम कर रहे हैं, विथ ज़्यादा कर देंगे तो दोनों लेवल हमारे पास जो है वो मिक्स हो जाएंगे, यानी लाइनिंग जो है ज्वाइन हो जाएगी, तो हमने साइज थोड़ा कम कर दिया। और इसके बाद ओके करेंगे, और यहाँ पे हम वो डेटा दे देते हैं जो हमें उन लेबल्स में चाहिए। तो जैसे हमें एक सिंगल कोई एड्रेस चाहिए तो हमने यहाँ पे दे दिया। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में इसको ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेबल और इसके बीच में जो गैप हमने सेट किया था, क्योंकि हमने विड्थ कम कर दी थी, हाइट कम की थी, तो डिस्टेंस भी सेट हो गई है। इसको हम सेलेक्ट करें क्योंकि हमारे पास ये तो टेबल ही है, और इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। साइज हमें बढ़ाना है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेम स्लिप बना के इसका प्रिंट आउट लेंगे और उसे कटिंग कर लेंगे, या फिर नेम शीट जो होती है, यानी स्लिप की शीट आती है मार्केट में, तो हो सकता है वो शीट पहले से हो तो आप उसको लगा के प्रिंट कर सकते हैं उस पर। सो गाइज, ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा हम इस ऑप्शन को, दोनों को मेल मर्ज के साथ भी कवर करेंगे, कि अगर बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए अलग अलग स्लिप लगानी है, सबके एड्रेसेस और नेम अलग अलग हैं, या एनवलप सबके लिए अलग अलग बनाने हैं, तो हम उसको मेल मर्ज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कमेंट्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अदर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।